खैर दोस्तों, हमारे चले हैं एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो के लिए लेके आया हूं सी यू ए टी पी जी कोर्सेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसे कि आप सभी को पता है, इस साल सी यू टी के आ जाने से काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हमारे एडमिशन प्रोसेस के अंदर और स्टूडेंट्स को नई नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। पहले कुछ लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे, सी यू टी यू जी से क्या हुआ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उसके अंदर ऐड हो गई और सेम पी जी कोर्सेज के लिए भी एन टी ए ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप लोगों के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पर सिंगल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन प्रोवाइड करा रही है। तो देखते हैं क्या लिखा है और क्या गाइडलाइंस है, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, ए टू जेड डिटेल्स सी यू ई टी पी जी को लेकर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एन टी ए ने अभी पब्लिक नोटिस निकाला है फॉर द सेशन 2022। आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19th of May यानी कि कल से स्टार्ट हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए और लास्ट डेट जो रहेगी 20th of June की रहने वाली है और लास्ट आप जो पेमेंट कर पाएंगे वो 22th of June तक अपनी पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम को दो स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करा गया है, स्लॉट वन और स्लॉट टू, जिसके बारे में मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 120 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस का आप लोगों का ये एग्जाम होगा और इसके अंदर आप लोगों का जो मीडियम है एग्जाम का दो रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा और कोई लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। सी यू टी यू जी के अंदर 13 लैंग्वेजेस है लेकिन यहाँ पे बायलिंगुअल एग्जाम होने वाला है। फाइन, तो ये तो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसी नोटिस के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा cut.nt.nic.in वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि अब यार यहाँ पे मेरी जो डिटेल्स है कहाँ पे मिलने वाली है। देखो, यहाँ से तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, आपको क्या होगा डायरेक्टली यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए कि हाउ टू फिल सी यू टी पी जी कोर्सेज एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। जस्ट मैंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक दी वीडियो एज वेल। सो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनके जो वेबसाइट है इसमें आपको जाना है, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, सिलेबस प्लस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दोनों चीज़ें हम चेकआउट करेंगे। तो सिलेबस में आप देखोगे तो यहाँ पे 2021 का ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, सीधा आपको जाना है इनका इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जाना है इन्फॉर्मेशन पे और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना है। फाइन, यहाँ से आपको मिलेगा 2022 का ब्रोशर, क्लिक करने के बाद ये आपकी फाइल खुल गई है ब्रोशर की, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन का स्केड्यूल क्या है। सी यू टी पी जी कोर्सेज के अगर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए रहेगा 800 रुपीज फॉर अ जनरल कैंडिडेट, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 600 का एप्लीकेशन फॉर्म है, एससी एसटी के लिए 550 और PBWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 का एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप और भी एडिशनल पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर 200 रुपये पर टेस्ट पेपर आप लोगों को देना पड़ेगा। अप टू 3 टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे 800 रुपीज लगेंगे और उससे अगर ऊपर ऐड करते हैं तो 200 रुपीज पर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ऐड करके पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी अप टू 3 टेस्ट कितना रहने वाला है, फॉरेन कैंडिडेट के लिए 4000 आउटसाइड द इंडिया, और फी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर आप लोगों का 1000 रहने वाला है। यानी हर एक कोर्स का एक कोड होगा, जैसे कि PQ01 PQ06 इस तरीके से ना आपके मास्टर्स में देखो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इवन इसमें बीएड कोर्स को भी इंक्लूड करा गया है। तो बीएड के लिए भी आपके पास जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है आप इस सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा इस ब्रोशर के अंदर, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलने वाला है सीबीटी की गाइडलाइंस और आपका जो एग्जामिनेशन है वो कहाँ कहाँ पे होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी और आप लोगों का एग्जाम कैसे सेट करा जाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी हैं, बाकी आप भी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए जो काम की इन्फॉर्मेशन है इसमें कहाँ मिलेगी। देखो जैसे कि यहाँ पर आएगा स्लॉट में आप जाएंगे तो क्वेश्चंस का, देखो ये जो एग्ज़ाम आप देख रहे हो ना PQ PGQP05 PGQ36 ये एग्जामिनेशन ग्रुप है। यहाँ पे आप देखोगे MA कोर्स का कौन सा कोड है, PGQP05 और MA के अंदर मीडिया एंड कल्चर, MA इन इंग्लिश, MA इन कंपैरेटिव लिटरेचर, MA इन इंग्लिश लैंग्वेज, MA इन लिटरेचर इन इंग्लिश, इन सभी कोर्सेज के लिए एक कोड रखा जाएगा, दैट इज PGQP05। अगेन MSc कोई कर रहा है स्टूडेंट, MSc इन योगा योगिक साइंस और योगा थेरेपी या फिर MA कर रहा है उसके लिए जो कोड रहेगा PGQP36। अब यहाँ पे स्लॉट भी मेंशन करी गई है कि किस कोर्स का एग्जाम किस स्लॉट में कराया जा रहा है। स्लॉट वन के अंदर इन कोर्सेज का एग्जाम हो रहा है, स्लॉट टू के अंदर इन कोर्सेज का एग्जाम हो रहा है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे स्लॉट वन के अंदर देखो डे वन ये क्या है, ऑरेंज करा हुआ है, मतलब जो डे वन का एग्जाम है यहाँ पे जो स्लॉट रखे गए हैं यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है।
और दूसरा जो डे का एग्ज़ाम है उसके अंदर स्लॉट वन के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके एमएससी इन मेडिकल मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, हिमालयन एक्वाटिक मरीन बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंग्लिश। तो इन कोर्सेज का जो कोड रखा गया है PGQ P22। देखो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे कोर्स का कोड क्या है, उसका स्लॉट क्या है, उसका डे कौन सा है। इस तरीके से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये सारी चीज़ें मैंशन भी करनी होंगी, ठीक है, कि आप कौन सा डे सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सा स्लॉट सेलेक्ट कर रहे हो फॉर द एग्जामिनेशन। दो स्लॉट में ही चूज करना है और उनका जो सब्जेक्ट है वो मैंशन कर रखा है, भाई इस स्लॉट में ही होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाते हैं सीधा सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस आप कैसे देखेंगे, पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, ये भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखो ये है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, तो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी सिटीज़ के अंदर UTPG कंडक्ट कराया जाने वाला है। यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 44 पे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, नहीं तो CUT की वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा और ये आप खुद भी डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं अभी आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि हमको कैसे इसका यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देखो लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PG कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, एपेक्स यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट। अब नीचे इनका कोर्स मेंशन करा गया है, उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न, और साथ में दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम, और यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसके कोड से भी सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली ये आप कंट्रोल प्लस एफ दबा के BEd भी सर्च कर सकते हो। मैं अब आपको उसका पेपर का पैटर्न समझा देता हूँ। देखो पैटर्न किस तरीके से है, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें से 25 जो है जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट सबको देना ही देना है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे कोर्सेज के अंदर आपको सिर्फ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको मिलेगा जनरल टेस्ट देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे कि मैं देखा तो BEd के कोर्स के अंदर क्या दिया हुआ, 25 MCQs ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मेंशन करा गया है। अब कई सारे कोर्सेज के अंदर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ना लेके आपसे सीधा जनरल मांग लेंगे, जैसे कि आप LLM देख सकते हो, LLM के अंदर क्या बोला, जनरल 25 जनरल। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे जनरल लिखा हुआ, तो जनरल के अंदर जनरल टेस्ट पूछा जाता है, जनरल टेस्ट विच इज वेरी सिमिलर टू योर CUET UG कोर्स का जो अपना जनरल टेस्ट है ना, उसी के साथ मिलजुल के आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको हर एक कोर्स का, जैसे कि आप यहाँ पे करने वाले हो MA इन दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेगा, 100 क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो ये जो पैटर्न है, दिस इज ओनली योर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये बहुत ही ईजी होता है और इसके लिए आपको बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने की जरूरत है। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन, हमारे यहाँ पर लाइव कोर्स के थ्रू इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। बाकी जो डोमेन स्पेसिफिक है वो आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का कोर्स मेंशन है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मेंशन है, उसकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मेंशन है, तो प्लीज आप इसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत ही इजी है। अब मैं आप लोगों को इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूं। मार्किंग स्कीम के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 29 पे। देखो आप यहां पे देखने को मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, गलत करने पे -1 का डिडक्शन है। तो देखो CUET PG का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको समझना आपके हाथ में है, आपको इसका ब्रोशर डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने कोर्स के रिक्वायरमेंट को देखते हुए सारी चीज़ों को गो थ्रू करो, उसके सिलेबस को, उसकी मार्किंग स्कीम को, कैसे आपको सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर अवेलेबल है। और आई होप आपको ये वीडियो भी यूजफुल लगी होगी, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप कैसे इसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर आप CUET PG कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसके जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हायर एजुकेशन के साथ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।